नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, राजधानी भोपाल में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चयनित शिक्षक हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं उन पर डंडे बरसा रही है। बेरोजगार नौजवान जब अपनी रोजगार की बात कर रहे हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है। किसान जब अपने हक की बात कर रहा है तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही और कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश में बिगड़ती जा रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि प्रश्न संख्या का नहीं है, प्रश्न नीति का है, प्रश्न नियम बनाने का है। केवल 27 लोगों को सुविधा 27% आरक्षण से नहीं मिलेगी। ये बहुत आश्चर्यजनक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चयनित शिक्षक हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं उन पर डंडे बरसा रही है। बेरोजगार नौजवान जब अपने रोजगार की बात कर रहे हैं तो उन्हें जेल भेजा जा रहा है। किसान जब अपने हक की बात कर रहे हैं तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश में बिगड़ती जा रही है। 27% आरक्षण को लेकर कह रहे हैं मंत्री, प्रश्न संख्या का नहीं है, प्रश्न नीति का है, प्रश्न नियम बनाने का है। केवल 27 लोगों को सुविधा 27% आरक्षण से नहीं मिलेगी बल्कि लाखों लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। ये एक विचार करने वाली बात है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.